Hey guys, this is Nitin and today we have reached here in God City, 7th Avenue. तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा 7th Avenue कंस्ट्रक्शन अपडेट. तो ये पूरा प्रोजेक्ट 4 एकड़ में है. ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इन गॉड सिटी 1 एंड गॉड सिटी 2. और ये 7th Avenue में टोटल 12 टावर हैं. इस एवेन्यू का अपना अलग ही एडवांटेज है. यहाँ से वॉकिंग है ऑफिसेस, मॉल्स, स्टेडियम्स एंड स्कूल. कहीं जाने की नीड ही नहीं, सब कुछ यही है. एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया. ये सामने स्टेडियम है एंड थोड़ा सा आगे यहाँ गौर का बड़ा सा टेंपल है. यहाँ टोटल 2900 फ्लैट्स हैं. तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ राइट हैंड साइड पे ये सभी हैं शॉप्स और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है गौर का इंटरनेशनल स्टेडियम. तो जैसा कि फर्स्ट देखने पे लगता है कि प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. अभी सिर्फ 70% वर्क कंप्लीट हुआ है एंड 30% वर्क अभी भी पेंडिंग है. तो फ्रेंड, ये 60 फीट का वाइड रोड है एंड इसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है. ये डायरेक्ट लिंक है 4 मूर्ति चौक से, जो कि सीधा जाता है परी चौक एंड यहाँ से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी वॉकिंग ही है. इट टेक्स नॉट मोर देन 12-15 मिनट्स. तो फ्रेंड, ये इस प्रोजेक्ट का सेकंड एंट्री गेट है एंड यहाँ आगे से लेफ्ट जाने पर आपको मिलेगा गौर इंटरनेशनल स्टेडियम एंड राइट में जाने पर आप जा सकते हो. तो दोस्तों, ये है गौर सिटी का मार्केट 7th Avenue. 7th Avenue की सभी शॉप्स हैं यहाँ पे ये. और ये सामने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है गौर आर्जा एंड ये जो सामने दिख रहा है ये है गॉड सिटी क्लब. और यहाँ ये सामने ये है गॉड इंटरनेशनल स्टेडियम. और यहाँ ये सभी शॉप है, एसेंशियल थिंग्स यू कैन परचेज फ्रॉम हियर. सब कुछ प्रॉपर्टीज की भी शॉप आ रही है यहाँ पे. देखो, धीरे धीरे सभी शॉप ये स्टार्ट हो रही हैं. और ये दोनों साइड सब ग्रीन बेल्ट है. आप देख सकते हो दोनों साइड पेड़ हैं, प्रॉपर हरियाली है यहाँ पे. हाय फ्रेंड्स, तो ये है 7th Avenue का सोसाइटी सेंट्रल पार्क. ये मिड में बना हुआ है सभी टावर्स के. टावर्स A, B, C, D, E, F, G एंड H. तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सभी जगह हरियाली है, ग्रीन एंड पीस है यहाँ पे. दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, अर्ली इन दी मॉर्निंग आप यहाँ आ सकते हो एक्सरसाइज करने, योगा करने एंड यहाँ. तो आप देख सकते हो टावर EFGH का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है. यहाँ ये देखो, ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं. 20% ऑक्यूपेंसी हो गई है इस प्रोजेक्ट में. लॉकडाउन में जिसे भी पोजीशन मिल रहा है वो शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे. और ये देखो, सभी जगह पेड़ और हरियाली है, ग्रीन एरिया है यहाँ पे. टोटल प्रोजेक्ट का 20%,
एरिया ग्रीन एरिया है जो कि हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सही है। और ये देखो टावर ई एफ एन जी, ये सामने है, ये है डी, ये है बी, और बी के लेफ्ट हैंड साइड टेनिस कोर्ट भी बन रहा है जो कि अभी बना नहीं है। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% कंप्लीट हो रहा है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, दिन रात नाइट में भी काम होता है यहाँ सेवेंथ एवेन्यू में। टाइमली गॉड सभी को टाइमली पोजीशन देता है। और ये सेवेंथ एवेन्यू गौर का लास्ट प्रोजेक्ट है। सेवेंथ एवेन्यू के बाद यहाँ गौर सिटी और ये नोएडा एक्सटेंशन में गौर का कोई भी और प्रोजेक्ट नहीं बचा हुआ है रेजिडेंशियल। ये है सेवेंथ एवेन्यू किड्स एरिया जोन, यहाँ बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ देखो छोटी छोटी बाइक्स हैं यहाँ पे, बट अभी इसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। बेस में मैट का काम अभी बचा हुआ है। और यहाँ झूले हैं, बाइक है, छोटे छोटे हॉर्स हैं, तो बच्चे राइड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो अब हम पोडियम से सीढ़ियों से जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाके देखेंगे बाहर के नज़ारे। और ये सामने आप देख सकते हो गॉड सिटी सेंटर, और उसके साइड में है गॉड सिटी मॉल, और ये सामने वाली है बिल्डिंग मल्टी लेवल कार पार्किंग। ये देखो वाओ, अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज। और ये राइट हैंड साइड है टावर सी, और लेफ्ट हैंड है टावर डी। ये टावर्स ऑलमोस्ट 7 to 8 months पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इन टावर्स में 30 to 40% लोगों को पोजेशन मिल चुका है, ऑक्यूपेंसी है 40%। और अब यहाँ से हम जाएंगे टावर डी, टावर डी में जाएंगे सबसे ऊपर फ्लोर पर, वहाँ से हम देखेंगे टावर ई, टावर एफ एंड टावर जी का कंस्ट्रक्शन। और ये है एंट्री टावर डी की। यहाँ हर टावर में है लिफ्ट 4, मोस्टली नॉर्मल प्रोजेक्ट में होती हैं 3 लिफ्ट, यहाँ 4 लिफ्ट हर टावर में। और अब यहाँ से हम जाएंगे सबसे ऊपर वाले फ्लोर, ई एफ एंड जी टावर की कंस्ट्रक्शन अपडेट के लिए हम आ गए हैं टावर डी के टॉप फ्लोर पर। और ये जो सामने वाला बिल्डिंग है ये है गॉड सिटी सेंटर, ये भी 28 फ्लोर की बिल्डिंग है। सभी शॉप आ रही हैं, मॉल है ये गॉड सिटी गौर का। और ये जो सामने वाला रोड है ये पटला चौक से होते हुए लिंक हो रहा है सीधे नोएडा। और यहाँ पे एक मिड में भी टावर है, टावर एच। ये है सेवेंथ एवेन्यू का बैक साइड, ये जो सामने के टावर हैं ये हैं सी डी ई एफ। सी डी कंप्लीट हो चुके थे, ई एफ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सभी 32 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। और ये सामने है गॉड सिटी सेंटर, और उससे नेक्स्ट वाला वो है गॉड सिटी मॉल। ये सभी गॉड सिटी सेंटर की शॉप्स हैं। और इसके सामने और इसके ये लेफ्ट हैंड साइड ये है मल्टी लेवल कार पार्किंग, ये भी बनेगी 5 से 7 फ्लोर की। और ये है गॉड सिटी सेल्स ऑफिस, और इसके साइड में ये है इंडियन ऑयल्स का पेट्रोल पंप, और इसी के साइड में बनेगा हॉस्पिटल।
फ्रेंड ये है यहाँ का टी पॉइंट, यहाँ से राइट है गॉर्सिटी स्टेडियम और लेफ्ट हैंड साइड है गॉर्सिटी मॉल एंड गॉर्सिटी सेंटर और गौर इंटरनेशनल स्कूल। और ये सामने जो सीधा स्टेट सड़क है ये सीधा हाईवे से लिंक हो रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये कंस्ट्रक्शन, ये है सेवेंथ एवेन्यू का कम्युनिटी हॉल। शादी, बर्थडे, कोई भी प्रोग्राम हो तो आप यहाँ कर सकते हो। और ये है हाई स्ट्रीट मार्केट सेवेंथ एवेन्यू का। ये सभी शॉप हैं यहाँ, ये सभी शॉप आएगी। और यहाँ इसके बाद आगे एक थर्ड गेट है, एंट्रेंस गेट सेवेंथ एवेन्यू का। सेवेंथ एवेन्यू में टोटल है 3 गेट, अभी एक कंप्लीट हुआ है, 2 पेंडिंग है। ये सेकंड गेट बन चुका है, मार्केट ऑलरेडी कंप्लीटेड होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है, विद इन 8-12 मंथ में 100% कंप्लीट हो जाएगा। और ये सड़क सीधा आगे जाके गौर सिटी मॉल और गौर सिटी सेंटर से जुड़ेगी। और यहाँ आप ये देख रहे हो टावर बी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो चुका है। और इसके बाद यहाँ बनेगा तो फ्रेंड यहाँ पे ये टावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, देख लो ऑलमोस्ट 32 फ्लोर कंप्लीटेड हो चुके हैं यहाँ। और ये जो सामने कंप्लीटेड टावर दिख रहा है ये है टावर सी। और यहाँ ये बनेगा सेवेंथ एवेन्यू का एग्जिट गेट, सीधा पोडियम से बाहर निकल के आप आ सकते हो यहाँ मार्केट में, शॉप से शॉपिंग कर सकते हो। और ये स्ट्रेट सीधा गया है सड़क स्टेडियम, गौर स्टेडियम। और फिर ये यहाँ पे जो फ्री स्पेस दिख रहा है यहाँ बनेगा गौर इंटरनेशनल स्कूल, ये भी 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और ये सामने आप देख सकते हो सामने है वो गौर सिटी सेंटर, गौर सिटी मॉल। और जो ये कंप्लीटेड टावर दिख रहे हैं ये हैं टावर बी, टावर सी। यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल पर चल रहा है, यहाँ डे नाइट 24 आवर्स कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। और यहाँ देखो यहाँ ऑलरेडी बेस का काम कंप्लीट हो गया है स्कूल का, ये सीधा सड़क। तो फ्रेंड आज मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दूँ सेवेंथ एवेन्यू का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने के टावर हैं ये सी डी ई एफ। और ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो ये है मल्टी लेवल कार पार्किंग। और इस फ्री स्पेस में स्कूल बनेगा, इंटरनेशनल स्कूल गौर का। और ये सामने आप देख सकते हो ये है गौर सिटी मॉल। और इसके पास में ही है ये गौर सिटी सेंटर। तो फ्रेंड बस आज का ब्लॉग बस यहीं तक। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। And if you want me to upload more videos about Noida Extension Society construction update, please comment in comment box. I will try to fulfill your all wishes. Thank you for watching this video. Please like and share my channel. Thank you.